हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राहुल। गैजेटिफिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्मार्ट गैजेट। आज हम करने वाले हैं रिव्यू ओप्पो वॉच का। जी हाँ, ओप्पो वॉच। अपने आप में ओप्पो भी कमाल की ब्रांडिंग है एंड उसने वॉच दी है, तो लेट्स सी कैसे रहती है। चलिए शुरू करते हैं बॉक्स को ओपन करने से एंड लेट्स सी। हियर वी हैव द वॉच। बेसिकली ये टू कलर्स में आती है, ग्लॉसी गोल्ड एंड ब्लैक कलर। तो मेरे पास इस टाइम ग्लॉसी गोल्ड है 46 mm डायल के साथ। इसमें एक और वेरिएंट आता है जो 41 mm डायल के साथ आता है, उसमें तीन कलर आते हैं। वी हैव वॉच हियर एंड इसके साथ आता है इसका चार्जर एंड यूजबली डॉक्यूमेंटेशन एंड अपना एक स्टैपर आता है। चलिए इसे साइड करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द वॉच। अगर वॉच के फर्स्ट लुक की बात करूँ तो डायल देखने में ही बड़ा लगता है। मतलब 46 mm बोलने की बात नहीं, 46 mm देखने में भी लगता है कि 46 mm। अगर बात करें रबर की स्ट्रैप की, बहुत ही कूल टच है एंड 3D लुक में इसका डायल आया है। अगर ओवरऑल डिज़ाइनिंग की बात करूं तो बहुत ही क्लासिक, मतलब वॉच, अगर एक नॉर्मली वॉच कहने के बाद जो हाथ में समझ में आता है एक वॉच का, उसकी डेफिनेशन को शायद कहीं ना कहीं ओप्पो ने बदल दिया है। देखने में लगता है डिजिटली ब्रांड है, अच्छे से वर्क किया गया है, 3D लुक दिया गया है ग्लास के ऊपर एंड स्ट्रैप्स बहुत अच्छे हैं। आपके पास दो बटन्स मिलते हैं जिससे कि आप स्ट्रैप को रिमूव करके अलग स्ट्रैप भी लगा सकते हैं। साइड में आपको दो बटन मिलते हैं, एक मेन पावर बटन है अपना, एक आपको स्पीकर्स का पूरा ग्रिल डिज़ाइन करके दिया गया है कि आप स्पीकर्स अच्छे से सुन पाए, माइक्रोफोन भी है इसके अंदर। बैक में आपके ऑल ओवर सेंसर्स हैं आप जैसा कि देख पा रहे हैं, और संग में हमें मिलता है ये चार्जर। जिस हिसाब से अपना डायल डिज़ाइन हो रखा है उसी हिसाब से सेम चार्जर डिज़ाइन कर रखा है ओप्पो। डिज़ाइनिंग बहुत स्मार्ट वॉच, बहुत कूल डिज़ाइन किया है। अपनी एल्युमिनियम की आउटिंग है इसकी, सेरेमिक एंड प्लास्टिक का मिक्सचर करके इसका बैक डिज़ाइन किया गया है। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले ऑफ दिस वॉच। अगर डिस्प्ले की बात करूँ, जैसे कि आपको देखने में भी बड़ी डिस्प्ले लगती है 46 mm की है, तो डायल अपने आप बड़ा हो गया, लेकिन अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 1.91 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है। बहुत हद तक बड़ी डिस्प्ले आपको प्रोवाइड हो जाती है इसमें। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो ड्यूअल कर्व डिस्प्ले है एंड जो इसका डिस्प्ले साइज है वो 1.91 इंचेस है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड जो डिस्प्ले है वो एमुलेट फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, 500 निट पिक्स की ब्राइटनेस के साथ है। मतलब आप कई वॉचेज में मोस्टली क्या होता है कि दिन के टाइम में देखने में दिक्कत लगती है, लेकिन 500 निट पिक्स की ब्राइटनेस आपको दिन में अच्छे से वॉच में आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ओप्पो ने ये वॉच दो प्रोसेसर के साथ निकाली है। पहला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 3100 है एंड सेकंड माइक्रो अपोलो 3 है। जी हाँ, ये दो प्रोसेसर के साथ आने वाली घड़ी है। अगर आप मेजर वर्क कर रहे हैं या हैवी वर्क कर रहे हैं तो प्राइमरी प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 3100 वर्क करेगा, अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो सेकेंडरी प्रोसेसर वर्क करता है। 1 GB रैम के संग आती है, 8 GB का रोम मिलता है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ठीक है, रैम 1 GB आती है, बहुत अच्छी रैम है फास्ट वर्किंग के लिए, स्पीकर्स भी हैं। बस इसके संग एक प्रॉब्लम है कि इसमें eSIM नहीं आती है, ना इसमें eSIM लगती है ना ही SIM लगती है। लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी ऑफ दिस वॉच। अगर हम बैटरी की बात करें, 430 mAh की बैटरी मिलती है जो काफ़ी ठीक है अगर इस्तेमाल के तौर पे देखा जाए तो। ओप्पो का खुद का अपना सुपर वॉक का चार्जर जो है जो फास्ट चार्जिंग करता है, तो ये घड़ी भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। 15 मिनट में 16 घंटे की आपको चार्जिंग मिलती है। अगर आप इसे पावर सेविंग मोड ऑन कर दें तो आप 21 दिन तक बिना चार्ज करे पूरी टाइम अपनी घड़ी को यूज कर सकते हैं। हाँ, फ्यूचरिस्टिक वॉच है तो बेसिकली सेंसर्स तो सारे होने ही होने हैं। जियो मैग्नेटिक सेंसर भी है इसमें, ब्लूटूथ 4.0 वर्जन के साथ आती है। ऑल कनेक्टिविटी आर हियर के, वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाती है, NFC भी है,
तो बेसिकली जो एक बेसिक वॉच में स्मार्ट वॉच में होना चाहिए वो सारे फीचर्स ओप्पो ने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए। एक्टिविटी की बात करो तो हार्ट रेट मीटर भी है, हार्ट बीट भी बता सकता है, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बता सकता है। हाँ, इसमें दो तीन चीज़ें ओप्पो ने जो बढ़ाई हैं वो ये बढ़ाई हैं, अगर आप रिलैक्स मोड में हैं तो ये रिलैक्स मोड में ओप्पो की वॉच में आप सेटिंग करेंगे तो आप रिलैक्स मोड भी काउंट करता है। आप 5 मिनट वर्कआउट मोड में हैं तो ये 5 मिनट वर्कआउट मोड में भी दे देता है अपने आपको। मतलब दो तीन वेराइटीज़ ओप्पो ने इसमें डाल दी हैं जो कि आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है। गूगल प्ले ऐप भी इसमें सपोर्टेड है, तो आप इससे डायरेक्टली गूगल प्ले पे काफ़ी कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे कि आपको ऑडियो सुनने हैं या वीडियो देखनी है तो आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द वॉच। अगर वॉच इतनी महंगी है, इतनी फ्यूचरिस्टिक बनाई है ओप्पो ने, तो प्राइसिंग ऑब्वियसली कुछ अच्छे ही होने चाहिए। जब ये मार्केट में आई थी तो 25,000 का ऑन बॉक्स प्राइस था, राइट नाउ भी जो मार्केट में चल रही है 20,000 के आसपास चल रही है। लेकिन अगर आपको उससे बेस्ट एंड रीजनेबल प्राइस पे जब भी वॉच खरीदनी हो, प्लीज डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको बेस्ट एंड रीजनेबल प्राइस पे आपको ये वॉच प्रोवाइड हो जाएगी। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही आपके पास गैजेट्स लाता रहूं, आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देता रहूं। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।